वेलकम टू फाइंडिंग्स टू यू। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थ्री मेथड्स ऑफ टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, इंडिया में हम लोग इंग्लिश को मोस्टली सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है वो हिंदी, बंगाली और तेलुगु, तमिल, ये सब होते हैं। और जो हमारी मदर टंग है उसके अलावे जो भी हम लोग लैंग्वेजेस सीखते हैं उसको हम लोग सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि एक लैंग्वेज टीचर सेकेंड लैंग्वेज को क्लासरूम में कैसे पढ़ाएंगे, उनके तरीके, जो मुख्य तीन तरीके हैं, द मेन थ्री मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज आर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट टीचिंग मेथड एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड। तीन मुख्य तरीके हैं पढ़ाने के सेकेंड लैंग्वेज को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में एक टीचर स्टूडेंट्स को ट्रांसलेट करना सिखाते हैं, जिसमें कोई भी बुक के टेक्स्ट या पोएम होते हैं उनको वो उनके मदर टंग में, स्टूडेंट्स के मदर टंग में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उन्हें बताते हैं और इसी तरह स्टूडेंट सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं। इसमें टीचर ग्रामर के रूल्स को भी सिखाते हैं, ट्रांसलेशन कैसे करना है, नियमों को। इसके कुछ फीचर्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे। सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये जो है एम्फेसिस करता है ग्रामर को, इसका जोर ग्रामर में रहता है। जो भी टीचर सेकेंड लैंग्वेज को क्लासरूम में पढ़ाते हैं वो ग्रामर पर जोर देते हैं और उनका रीडिंग और राइटिंग में फोकस होता है। और जो ये रीडिंग और राइटिंग होती है ये भी ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू ही होती है, मतलब कि टेक्स्ट को पढ़ते हैं और फिर वो अपने मदर टंग में ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसके जो मीनिंग है उसको समझते हैं। और लिखना भी उसी तरह होता है, पहले वो मदर टंग में सोचते हैं फिर वो ट्रांसलेट करके लिखते हैं। तो ये हो गया इनका फीचर्स। इसमें और भी फीचर्स हैं जैसे कि लिमिटेड स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसमें जो है स्पीकिंग और लिसनिंग जो है लिमिटेड होता है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन मेथड से होता है तो स्पीकिंग में दिक्कत आएंगी, ऑब्वियस है, क्योंकि सोच के फिर ट्रांसलेट करके बोलना आसान नहीं होता सेकेंड लैंग्वेज को। नेक्स्ट है इसमें वोकैबुलरी बिल्डिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और कल्चरल लिटरेरी फोकसेस पे ध्यान देना होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग जाएंगे। ये जो ट्रांसलेशन मेथड है इसमें ये टीचर सेंटर्ड होते हैं। ये क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाते हैं उन पे मेनली फोकस्ड होता है, वो जो पढ़ाते हैं उसी को बच्चे समझते हैं। इनमें कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इस साइट पे विजिट करके आपको मिल जाएंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। जैसे मेरिट्स में आते हैं ये जो टीचिंग है इसमें बच्चे फ्लुएंटली बोलना जल्दी नहीं सीख पाते हैं, ये इनके इस मेथड के डीमेरिट्स है। ऐसे ही सिक्स मेरिट्स और डीमेरिट्स है, आप इनको साइट में जाकर पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, डायरेक्ट टीचिंग मेथड। डायरेक्ट टीचिंग मेथड जो है इसमें हम लोग सेकेंड लैंग्वेज को डायरेक्टली पढ़ाते हैं। ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से जस्ट अपोजिट है। इसमें हम लोग जो भी टीचर रहते हैं सेकेंड लैंग्वेज के वो उस सेकेंड लैंग्वेज को डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। इनमें ग्रामर का पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है,
इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग का रोल ज़्यादा होता है। इसमें स्टूडेंट्स को टीचर बोलने के लिए इनकरेज करते हैं और इसी से स्टूडेंट जो है बोलना और लिखना सीखते हैं। और ये डायरेक्ट टीचिंग मेथड जो है बहुत ही पॉपुलर मेथड है, और जो ट्रांसलेशन मेथड जो हमने पढ़ा था वो ओल्ड मेथड है। अब हम लोग इसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखेंगे। इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है, टीचर सेंटर्ड है, एक्टिव इंगेजमेंट है, इसमें ट्रांसलेशन का जो यूज़ नहीं करते हैं, नो यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन, स्किल बेस्ड फोकस होता है, इसका फोल्ड लर्निंग होता है, क्वेश्चन आंसर होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स को देख लेते हैं एक बार। सेकेंड लैंग्वेज जो होता है डायरेक्ट मेथड में, हम लोग जो टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो उसी की लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, मतलब कि इसमें मदर टंग का यूज़ नहीं होता है। जैसे अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में ही टीचर बात करेंगे और इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, वो मदर टंग का यूज़ कम से कम करेंगे। ऐसे ही डीमेरिट्स है, इसमें ग्रामर पर फोकस कम किया जाता है तो बच्चे शुरू में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं। इसको भी आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो साइट में आप जाइए findingstoyou.com। अब आते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। इसमें जो है ऑडियो विजुअल्स के जरिए टीचर सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, मतलब कि जैसे बुक को अगर बताना है तो वो ये नहीं बताएंगे कि ये किताब है, वो सीधा किताब को दिखाएंगे। तो इसी को कहते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। अगर कुछ चीज़ सुनाना हो तो वो उसको प्रेजेंट करेंगे। हम लोग देखेंगे इसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स। इनका जो फोकस होता है प्रोनाउंसिएशन, ड्रिल्स, ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशंस, इसमें जो है मिनिमम रहते हैं। लैंग्वेज लेबोरेटरी इसमें सेटअप करने का व्यवस्था होता है। इस मेथड से अगर पढ़ाना हो तो इसमें लैंग्वेज लेबोरेटरी का भी इस्तेमाल किया जाता है और स्पीकिंग लिसनिंग में फोकस होता है। और इसके जो मेरिट्स है, ये लिसनिंग और स्पीकिंग में जोर देते हैं टीचर्स, और इसमें जो है ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये मॉडर्न अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज होता है, डायरेक्ट और ऑडियो लिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट और डीमेरिट्स हैं। आप साइट्स पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू।